एसएससी जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 457 पार्ट 4 क्वेश्चन 50। सभी प्रश्नों के उत्तर एसएससी के द्वारा जारी आंसर की से ही दिए गए हैं। प्रसिद्ध पिन पार्वती शिखर किस जिले में स्थित है? बी कुल्लू में। निम्नलिखित में से किस स्थल पर चैडविक जलप्रपात स्थित है? सी शिमला जिले के सुमेर पर्वत के पास। सिपकीला दर्रा किस जिले में है? ए लाहौल स्पीति में। वर्तमान जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार किस जिले का जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? डी निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्र अनुसार सबसे छोटा है? सी सोलन। कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर था? बी M.S. हिम्मत सिंह। प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? ए मूर क्राफ्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्यास नदी कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? सी संधोल। पत्तन घाटी निम्नलिखित में से किस जिले का भाग है? डी लाहौल स्पीति। खजियार घाटी किस जिले में है? ए झज्जियार घाटी किस जिले में है? ए बिलासपुर। शिमला घाटी में आलू की खेती का श्रेय किसे जाता है? बी मेजर कैनेडी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण का विचार ओ हुम द्वारा शिमला में किस स्थान पर प्रस्तुत किया गया? सी रोथनी कैसल। दूध को बोतल में भरने से पहले उसकी गुणवत्ता और खाद्य मूल को कम किए बिना सूक्ष्मजीवियों को खत्म किया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं? बी पाश्चुरीकरण। प्रतिसन एक प्रक्रिया है जो सी जीवाणुओं की वृद्धि को मंद करता है। जब ईस्ट को बिना पके ब्रेड के गूंद से मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म स्थान पर किण्वन से के लिए रखा जाता है, ब्रेड फूल जाती है क्योंकि ए किण्वन प्रक्रिया के दौरान CO2 निष्कासित होती है, प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। डी फोटोमीटर से। पृथ्वी का अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। डी हवा। लंबे समय के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निभाव के लिए आवश्यक है। सी ए और बी दोनों। फरवरी 2016 में ब्लैंक के आर्मी चीफ जनरल को भारतीय आर्मी के जनरल की मानद उपाधि से नवाजा गया। बी नेपाल। 13वां ऑटो एक्सपो 2016 कहाँ आयोजित किया गया था? बी ग्रेटर नोएडा दिल्ली। बाचा खाना खान विश्वविद्यालय जो हाल ही में आतंकी आक्रमण के लिए सुर्खियों में था, वह पाकिस्तान के ब्लैंक जिले में है। सी खैबर पख्तूनख्वा। जनवरी 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए चुना गया? बी बाजीराव मस्तानी। श्रीमती मिलानी साराभाई, जिनका हाल ही 2 जनवरी 2016 को निधन हुआ, वह प्रख्यात ब्लैंक थी। सी शास्त्री नेत्रांगना। ब्लैंक ने लोकतंत्र को लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार से परिभाषित किया था। डी अब्राहम लिंकन ने। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सी राज्यपाल। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश स्वीकृत हैं? डी 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? सी नर्मदा। कालहरी किसका नाम है? डी रेगिस्तान। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बी महाराष्ट्र। कौन शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है? बी गौतम बुद्ध। ब्लैंक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवत ईश्वर था? सी इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया? बी हुमायूं। किसने यह नारा दिया, वेदों की ओर लौटो? दी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की खेती की समस्या से संबंधित है? बी चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? डी एम मंडसन। देबोरा हेराल्ड नाम किससे संबंधित है? ए साइकिल सवारी से। स्वेतलाना एसेच्कोविच को हाल ही में किस पुरस्कार से नवाजा गया? ए साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2015। शिक्षक अनुपात लेक्चरर डॉक्टर क्वेश्चन मार्क्स। निम्न निश्चित रूप से संबंध दर्शाने के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सी दवाएं। यदि अक्षर LBMHN का अर्थ MANGO है तो किन अक्षरों का अर्थ शब्द STON है? डी RUNOD। निम्न श्रृंखला को पूरा करो। 3, 6, 8, 16, 19। आंसर सी 38। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस इस दिन मनाया जाता है? बी 1 दिसंबर। किसने प्रसिद्ध पुस्तक गुलिवर्स ट्रेवर्स लिखी है? ए जोनाथन स्विफ्ट ने। रमेश फैल एप्रे
ब्लैंक एपिडेमिक डी टू गिव द करेंट मीनिंग ऑफ आइडियम एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग बी टू बी ऑप्टिमिस्टिक चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिपेंट आंसर बी रिमोर्स शुद्ध शब्द है सी प्रादुर्भाव तुरंग का पर्यायवाची है डी अश्व अभ्युदय का संधि विक्षिप्त है सी अभी प्लस उदय। आपको वीडियो पसंद आया हो और आप लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान और सभी परीक्षाओं के मॉडल पेपर के वीडियो देखना चाहते हैं तो news20.in चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।